क्या आपने कभी ऐसा केला खाया है जो वैक्सीन का काम दे? या कभी आपने चमकती हुई बिल्लियां देखी हैं? या आपने ऐसे प्याज काटे हैं जिनसे आंसू ही ना आए? ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? ये सब कुछ है जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल। दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और आज की दुनिया में इसकी कामयाब मिसालें कौन कौन सी हैं? आइए आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इससे रिलेटेड और दीगर इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आसान अल्फाज में जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में तब्दीलियां लाकर इसमें मतलूबा नतायज हासिल कर लिए जाते हैं या इनमें मौजूद कोई बीमारियां खत्म कर दी जाती हैं। ये एक जादुई साइंस है और सच पूछिए तो यही दुनिया का फ्यूचर है। आइए अब इस जादुई साइंस की हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम पौधों से शुरू करते हैं। रेप सीड्स के पौधे, जिन पर पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मार अद्वियात का असर ही नहीं होता। रेप सीड एक फूलदार पौधा है जो मुख्तलिफ किस्मों के एडिबल ऑयल्स बनाने में काम आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने इन पौधों को मुख्तलिफ कीड़े मार अद्वियात के खिलाफ मुजाहमत फराहम कर दी है, ताकि जब खेतों में पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे किया जाए तो ये पौधे उनके असर से महफूज रह सकें। जेनेटिक इंजीनियरिंग का अगला शाहकार है वो दरख्त जो पोल्यूशन का मुकाबला करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के साइंसदानों के तैयार करदा पॉपुलर यानी चनार के दरख्त अपनी जड़ों के जरिए आलूदा पानी को जज़ब कर लेते हैं और इस गंदे पानी को हवा में खारिज होने से पहले पहले साफ कर देते हैं। व्हाट अ नेचुरल फिल्टर। आम चनार के मुकाबले में ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड दरख्त ये प्योरिफिकेशन कई गुना ज्यादा करते हैं। और अब हम बात करते हैं विटामिन ए बनाने वाले जेनेटिकली इंजीनियर्ड गोल्डन राइस। क्या आप जानते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को हेल्दी फूड बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि गोल्डन राइस यानी सुनहरे चावल। इसमें बीटा कैरोटीन डाल दिया जाता है और ये वही विटामिन है जो गाजरों को रेड करता है। जब बीटा कैरोटीन आपके अंदर जाती है तो आपकी बॉडी इससे प्रो विटामिन ए बनाती है, जो कि बहुत फायदों के साथ साथ आपकी नजर के लिए भी बहुत अहम है। और इसके बाद हम जिक्र करेंगे तेजी से बड़े होने वाले दरख्त। आज के दौर में कम होते हुए जंगलात और बढ़ती हुई लकड़ी की मांग को इस किस्म की जेनेटिक इंजीनियरिंग से हल किया जा सकता है। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे दरख्त पैदा किए जा सकते हैं जो बाकी दरख्तों की निस्बत तेजी से उगते हैं और बड़े हो जाते हैं। और मजे की बात है कि इनकी लकड़ी भी आम दरख्तों से ज्यादा बेहतर होती है। इसके बाद हम जिक्र करते हैं बड़े और देर पा टमाटर। जब टमाटर जीनियाती तौर पर इंजीनियर किए जाते हैं तो उन्हें ज्यादा बड़ा और मजबूत बनाया जा सकता है। ये टमाटर ज्यादा देर तक तरोताजा रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें दूर दराज के इलाकों में भेजकर बेचा जा सकता है और एक ही दफा में इसकी सारी फसल की कटाई हो सकती है। और अब बात करते हैं कीड़े मार मकई की। जेनेटिक इंजीनियर ने सोचा कि फसलों पर कीड़े मार स्प्रे करने की बजाय क्यों ना ऐसे पौधे तैयार कर लिए जाएं या ऐसी फसलें तैयार कर ली जाएं जो खुद कीड़ों को मार दें। ये तजर्बा उन्होंने मकई पे किया जो कि कामयाब रहा। अब कीड़े मार अद्वियात की स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं रही, जो कीड़ा इस फसल पर बैठता है खुद ही मर जाता है। लेकिन इससे बेचारी तितलियां भी मरने लग गईं। अब बहस इस बात पर जारी है कि इसका फायदा ज्यादा है या इसका नुकसान ज्यादा है। फिलहाल तो इस टेक्नोलॉजी का ज्यादा फायदा ही हो रहा है फसलों पर। और अब हम बात करते हैं ऐसे प्याजों की जो आपको रुलाएंगे नहीं। प्याज काटे और आंसू ना आए, ये तो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब न्यूजीलैंड के एक साइंटिस्ट ने प्याजों में से ऐसे एंजाइम्स निकाल दिए हैं जिनसे आपको रोना आता था, लिहाजा अब आप रोने की बजाय हंस हंस कर प्याज काटें। इन प्याजों को सोनियंस या स्वीट ऑनियंस कहा जाता है। प्लांट किंगडम से अब हम एनिमल किंगडम पे आ जाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्लोनिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग का फिलहाल सबसे मुतनाज़ा इस्तेमाल क्लोनिंग है, क्योंकि इसमें किसी भी जानदार की जेनेटिक कॉपी तैयार कर ली जाती है। एथिकली ये काम ठीक है या गलत, लेकिन इस पर फिर भी रिसर्च जारी है। क्लोनिंग की टेक्निक इस्तेमाल करके साइंसदानों ने 1996 में एक भेड़ तैयार कर ली थी जिसका नाम था डोली। 2020 में साइंसदानों ने ब्लैक फुटेड फेरेट का भी एक क्लोन तैयार कर लिया था, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशी है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये कमाल देखें, अंधेरे में चमकने वाली बिल्लियां तैयार कर ली गई हैं।
2007 में साउथ कोरिया के साइंसदारों ने एक बिल्ली के बच्चे में जेनेटिक चेंजेस कर दी, जिससे इसकी स्किन ग्लोइंग हो गई। उसके बाद उन्होंने इस बिल्ली की क्लोनिंग करके इससे मिलती जुलती और भी बिल्लियां बना ली, और यूं अंधेरे में चमकने वाली कई बिल्लियां तैयार कर ली गईं। और अब हम ऐसी गाय का आपको बताने लगे हैं जो कम गैस खारिज करती है। अगर गाय में तबखीर पैदा हो जाए तो उससे मीथेन गैस निकलती है, और ये ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। तो जनाब, अब ऐसी गाय भी तैयार कर ली गई है जो कम मीथेन पैदा करेगी। और इसके बाद हम जिक्र करते हैं माहौल दोस्त खंजीर की। जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे पिग्स तैयार कर लिए गए हैं जो फास्फोरस को बेहतर तरीके से हजम कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जानवर अपने फुजले के जरिए कम फास्फोरस निकालता है। इस तरह कुदरती माहौल को फास्फोरस के नुकसान से बचाया जा सकता है। और अब हम बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड सैल्मन फिश की। सैल्मन फिश एक ऐसी मछली है जो साल भर हार्मोन्स ग्रोथ पैदा नहीं करती, जिससे इनकी अफजाइश कम होती है। इस मसले का हल भी साइंसदानों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही निकाला है। उन्होंने सैल्मन के जेनेटिक कोड में तब्दीली करके इसकी अफजाइश को दुगना कर दिया है। दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक और एक्साइटिंग इन्वेंशन है केले की वैक्सीन। तो जनाब, केले में जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इसे कॉलरा यानी हैजा और हेपेटाइटिस के अगेंस्ट वैक्सीन के तौर पर तैयार कर लिया गया है। टीके से लगाई वैक्सीन की तरह ये केला खा कर भी आपके अंदर बीमारियों से लड़ने वाले एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और अब हम ये देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी ने कोविड वैक्सीन में क्या कमाल कर दिखाया है। कोविड-19 के इस वबाई दौर में कोविड-19 की वैक्सीन से इम्यूनिटी हासिल करने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन में भी mRNA जेनेटिक सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल किया गया है, ताकि इंसान का जिस्म कोविड के वायरस की शनाख्त कर सके। दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल सिंथेटिक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स में भी हो रहा है। इंसानी नशोनुमा और डिसऑर्डर्स पर साइंसदान कितने अरसे से काम कर रहे हैं, और अब आखिरकार जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उन्होंने ऐसे सिंथेटिक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बना लिए हैं जो ऐसी बीमारियों का इलाज करेंगे जिनसे इंसानी नशोनुमा मुतासर होती है। तो दोस्तों, ये थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की कुछ सक्सेस स्टोरीज। जाते जाते आपसे एक सवाल है कि ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक तो कर दें। चलें, सब जान लो जी की अब अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।